हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूं नीट पीजी 2023 में सीट इंक्रीमेंट के बाद, जो अभी तक करंट सिचुएशन में जो सीटें इंक्रीज हुई है, इसके बाद टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीटें कितने हैं। टोटल ओवरऑल बात किया जाए तो गवर्नमेंट और प्राइवेट को ऐड किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ MDMS के सीटें कहाँ कितने हैं। सिर्फ MDMS के बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा और NB डिप्लोमा और DNB का नहीं। साथ में बात करूंगा कि स्टेट वाइज कितने गवर्नमेंट सीट है, कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से स्टेट में कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं। तो चलिए, इन सारे जानकारी के साथ मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, स्क्रीन पर सारे स्टेट का आपको इन्फॉर्मेशन दिखते रहेगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप चाहे पेड सब्सक्रिप्शन लेना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेकर आप कॉल कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ रिवीजन को लेके भी। कट ऑफ रिवीजन 100% होगी। जो स्टूडेंट डाउट में है कि कट ऑफ रिवीजन इस साल नहीं होगा, बिल्कुल आप क्लियर हो जाएं कि 110% आपका कट ऑफ रिवीजन होगा। यदि आप नॉन एलिजिबल हैं, कुछ नंबर से चूक रहे हैं, 40 मार्क्स, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 2 मार्क्स या 70 मार्क्स, तो आप उम्मीद जता सकते हैं। आप अपना बजट को अरेंज करके रखें, क्योंकि इस रैंक पे, इस स्कोर पे सिर्फ प्राइवेट सीट मिलेंगे या फिर नॉन क्लिनिकल ब्रांच मिलेंगे। तो अगर क्लिनिकल सीट लेना है तो आप अपना बजट को अरेंज करें, साथ में सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखें, तो ही संभव है। साथ में वैसे स्टूडेंट जो अभी एलिजिबल हैं करंट सिचुएशन में, वैसे में पौंडीचेरी स्टेट ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन किया है, कल से स्टार्ट हुआ है और 13 जून 2023 तक चलेगा। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं जो पौंडीचेरी से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट सीट के लिए, प्राइवेट दोनों के लिए। जो आउट ऑफ पौंडीचेरी हैं और साथ में पौंडीचेरी से पीजी करना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करके रखें। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले मैं स्टेट का बात करता हूँ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर अगर टोटल बात किया जाए नंबर ऑफ सीट का, तो 2941 सीटें हैं, जिसमें गवर्नमेंट सीट हैं वो लगभग आपका 1394 है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 13, वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1547 सीट है, 18 प्राइवेट कॉलेज में, टोटल 2941। वहीं आसाम के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीटें हैं वो 683, वो भी 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। मात्र वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ही कॉलेज है, कोई सिंगल प्राइवेट कॉलेज नहीं है आसाम के अंदर। बिहार के अंदर अगर बात किया जाए तो अभी तक जो करंट सिचुएशन है, इसमें सीटें 1091 है। यहाँ पे अगर टोटल बात किया जाए तो गवर्नमेंट के अंदर 832 सीटें हैं और प्राइवेट के अंदर 259 सीटें हैं। चंडीगढ़ के अंदर बात किया, चंडीगढ़ के अंदर टोटल सीटें हैं 477 सीटें हैं सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में टोटल 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में टोटल सीटें हैं वो 534। दिल्ली के अंदर अगर बात किया जाए तो टोटल 2216 कॉलेज है, जिसमें 2167 गवर्नमेंट और प्राइवेट में 49 सीटें अवेलेबल है। गोवा के अंदर बात किया जाए तो सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें 121 सीटें हैं। गुजरात के अंदर गवर्नमेंट के अंदर 1923 सीटें हैं, प्राइवेट के अंदर 686, टोटल 2609 सीटें अवेलेबल हैं। ये मैं अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो आज तक के डेट में सीटें इंक्रीज हुई है इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सीटें और भी ऐड ऑन होंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जितने सीटें ऐड होंगी उसके अकॉर्डिंग मैं अपडेट करते जाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। हरियाणा के अंदर बात करें तो टोटल सीट है वो 739 सीटें हैं, जिसमें गवर्नमेंट के अंदर सीटें 377 और प्राइवेट गवर्नमेंट के अंदर 362 है और प्राइवेट के अंदर 377। हिमाचल प्रदेश के अंदर बात किया जाए तो टोटल 346 सीटें हैं, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जिसमें 92 सीटें हैं MMU सोलन, और बाकी जो 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें 254 सीटें अवेलेबल हैं। अगला स्टेट आता है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो सीटें हैं 521 और 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 51 सीटें हैं, टोटल 572 सीटें हैं। झारखंड के अंदर 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 259 सीटें हैं MDMS के, और सिर्फ गवर्नमेंट ही कॉलेज है वहाँ पे। अगला स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका में 26 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1547 सीटें हैं, वहीं 29 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 4232 सीटें हैं। यानी कि 26 गवर्नमेंट में 1547 सीट है
और 29 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 4,232 सीटें हैं। टोटल सीटें हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट का वो 5,779। केरला के अंदर बात किया जाए तो 11 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 891 सीटें हैं, वहीं 21 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 748 सीटें। यानी कि 21 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी केरला के अंदर MDMS की सीटें बहुत ही कम है। टोटल अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट को ऐड कर दिया जाए तो 1,639 सीटें हैं। अगला स्टेट आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर अगर बात किया जाए तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज जो है 32 है, इसमें टोटल सीट 3,110 है और 30 यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है जिसमें 2,343 सीटें अवेलेबल है। टोटल 5,453 सीटें हैं। अगला स्टेट है मणिपुर। मणिपुर में दो गवर्नमेंट कॉलेज ही सिर्फ है जिसमें सीट 250 है। इसके बाद मेघालय में 1 कॉलेज है, सिर्फ सिंगल कॉलेज है और 33 सीट है सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ओडिशा के अंदर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 6 गवर्नमेंट कॉलेज में 635 सीट है और 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 454 सीट है। टोटल 1,089 सीट। पौंडीचेरी स्टेट है, यहाँ पे टोटल 2 गवर्नमेंट कॉलेज में 262 सीटें हैं और 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 669 सीटें हैं। टोटल 931 सीटें अवेलेबल है। पंजाब की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 404 PG की सीटें हैं, वहीं 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 338 सीटें हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे है, कॉलेज तो लिमिटेड है लेकिन सीट काफ़ी अच्छा है। टोटल सीट है 742। राजस्थान की बात किया जाए तो 11 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 1,927 सीटें हैं, वहीं 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 788 सीटें। टोटल 2,715 सीटें अवेलेबल है। सिक्किम की बात किया जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो कि सिक्किम मणिपाल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर 34 सीटें हैं। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर 25 गवर्नमेंट में 2,341 सीट है, वहीं 26 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1,948 सीट है। टोटल 4,289 सीटें हैं। तेलंगाना स्टेट की बात किया जाए तो यहाँ पे 11 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 1,270 कॉलेजेस हैं, सॉरी सीटें हैं, वहीं 20 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1,434 सीट है। टोटल सीट की बात किया जाए गवर्नमेंट प्राइवेट सभी का तो 2,704 सीटें हैं। त्रिपुरा के अंदर 1 गवर्नमेंट कॉलेज में 79 PG की सीटें हैं और 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 6 सीटें हैं। यहाँ पे सीटें इस बार इंक्रीज होने की चांसेस काफ़ी अच्छा है। टोटल सीट 85 है। उत्तराखंड में 4 गवर्नमेंट कॉलेज में 993 सीटें हैं और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसमें हिमालयन और गुरु रामराय आता है। टोटल पीजी के सीट 237 है हिमालयन और गुरु रामराय में। ओवरऑल गवर्नमेंट प्राइवेट ऐड किया जाए तो 1,230 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बात किया जाए तो यहाँ पे 22 कॉलेज जो कि गवर्नमेंट का है, सीटें हैं 1,843 और 27 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1,743 सीटें। टोटल 3,586 सीटें। यहाँ पे अगर सीट की बात किया जाए तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज जितना है उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट में सीटें अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस बार मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज में सीटें इंक्रीज होने की चांसेज है। कम से कम यहाँ पे 2,500 सीट होना चाहिए था प्राइवेट में, यानी कि 2,500 के नियर अबाउट, लेकिन सीटें बहुत ही कम है। वेस्ट बंगाल की बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की बात किया जाए 21 है और सीट सिर्फ 1,551। यहाँ पे भी सीट कैपेसिटी है काफ़ी कम है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। प्राइवेट में भी बहुत ही कम सीट है, 8 प्राइवेट कॉलेज में 270 सीट अवेलेबल है। टोटल 1,821। जैसा कि आप देख रहे होंगे कुछ ऐसे स्टेट है जहां कॉलेज तो बहुत हैं लेकिन सीटें कम है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए। कुछ ऐसे भी स्टेट है जहां सिर्फ कुछ ही कॉलेज है लेकिन सीटें बहुत ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज में कितने इंटेक है, किस तरीके की सीटें यहाँ पे डेवलप की गई है। अगर टोटल गवर्नमेंट की बात किया जाए तो ऑल ओवर इंडिया में टोटल गवर्नमेंट सीट है 27,814 MDMS के प्योर गवर्नमेंट सीटें। कॉलेज है 281 गवर्नमेंट का। प्राइवेट की बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल 239 कॉलेज है, सीट है 19,188। अगर टोटल कॉलेज तो टोटल अगर सीटों को जो ऐड कर दिया जाए गवर्नमेंट प्राइवेट सभी का तो 47,002 सीटें अवेलेबल है। 47,002 सीटें अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट का। NB डिप्लोमा डीम्ड यूनिवर्सिटी DNB अगर इस सब को ऐड किया जाए, CPS को ऐड कर दिया जाए तो ये लगभग ये सीटें
बहुत ही ज़्यादा होने वाली 65,000 के नियर अबाउट ये जाते हुए नजर आएंगे। और डे बाय डे सीटें इंक्रीज हो रही है, इंस्पेक्शन ऑन गोइंग है। इंस्पेक्शन के दौरान बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ सीट बढ़ाई भी जाती है और सीट को कम भी की जाती है। वैसे सीटें तो बहुत ही कम रेयर केस में कम की जाती है, डिक्रीज की जाती है, ज़्यादातर इंक्रीज ही होती है। जी दोस्तों, बाकी जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।